First thing I have to say that Subhashji definitely makes you feel very special. और मुझे लगता है हमें फिल्म इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारे पास इतने कम इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखिए इतने चैनल्स हैं, उन पर टेक्नीशियंस चाहिए, इतनी फिल्में बन रही है. वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. शोज बन रहे हैं, डिजिटल काम हो रहा है, इतना तो इंस्टीट्यूशंस की तो ज़रूरत है. तो ये एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे शहर में है, जो फिल्म मेकिंग का शहर है मुंबई, आई थिंक वहाँ पे मेरा खुद का बेटा यहाँ पढ़ रहा है अभी. और आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू कम हियर एंड सी द काइंड ऑफ दैट वर्क दैट इज़ हैपनिंग. और जब भी आता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं देखता हूँ, मैंने कई बार चक्कर लगाया है और देखता हूँ अलग अलग लैब्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, कमाल का काम हो रहा है, खुश हैं स्टूडेंट्स. और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मुंबई में है और क्योंकि सुभाष जी खुद इन्वॉल्व हैं, उनका रियल फिल्म मेकर्स से, फिल्म से काम करने वाले जुड़े हुए लोग जो हैं, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सिंगर्स, सबके साथ इंटरेक्शन होता है. हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तो ये चीज़ हमारे को नहीं मिलती थी करने को, क्योंकि रियल फिल्म मेकर्स नहीं आते थे. हम तरस जाते थे कोई आके एक वर्कशॉप कर ले. तो यहाँ हर हफ्ते कोई आके मिलके बात कर रहा है. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. Raju sir, we also performed in front of you. Was that a nervous moment for you as a father, or were you like a director while you were performing? How did you look at it? No, it was. What was interesting to watch कि जिस ढंग से उन लोगों ने किया, मुझे लगा कि ये कुछ प्ले उन्होंने रिहर्स किया और कर रहे हैं, पर बाद में पता लगा कि इम्प्रोवाइजेशन था. सुभाष जी ने एक सिचुएशन दिया था उन्हें और उस पर करना था, तो उन्होंने जो किया वो वाकई कमाल का था. सब लोगों ने मिलकर बात, अभी घर जाऊंगा तो बात करूंगा. So he was directing his son first time on the stage. That's what the record. I was just watching. It was fascinating to watch him. So जब घर आते हैं तो कितना बता पाते हैं सन आपकी, या फिर आप कितना contribute कर पाते हैं, कितना आप directing या acting के बारे में उन्हें बताते? नहीं, वो रोज आके मुझसे बात करता है. अगर मैं हूँ कभी, काम चल रहा है तो कई बार नहीं होता हूँ, पर जब भी वक्त मिले तो आके ज़रूर पता था जैसा हुआ, जैसे हुआ यहाँ पे. और सबसे अच्छी बात ये वो खुश है, ही इज़ इन्जॉइंग इट. आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड. बाद में तो आपको जो आदमी करना चाहता है उसको छोड़ देना पड़ता है, फिर उसकी मेहनत, उसकी लगन, उससे ही सब जो ना. तो ही इज़ हैप्पी. जो बातें करता है उस पर हम लोग शेयर करते हैं, कुछ बताता है. एज अ फादर, व्हाटएवर यू वांट टू टेल हिम, यू डू दैट, टेल हिम. डू यू फॉलो योर लेगेसी? ही इज़ अ फैबुलस डांसर एंड एक्टर एज़ वेल. डू वी सी हिम ग्रो? देखिए, 3 years बनाने के बाद में किसी को कुछ नहीं बोल सकता क्या करना है, जो उनकी मर्जी. अभी ये बातें करते हैं शूट की. जी जी हाँ, मैंने जो आज संजू का टीजर देखा है और एज ए पर्सनल फ्रेंड उन्होंने मुझे दिखाया, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फिल्म. And it's going to be a very big blockbuster, because the way Ranbir Kapoor has acted, Sanjay Dutt, and the way he has narrated and brought the character on the screen, even I was also shocked, amused and amazed rather, I would say. And I'm sure this Sanju is going to be a very big hit, as I see today over there. And he is a master craftsman and master narrator. He knows his job very well. And I think I am going to see the film. But when Sanju has said that, "Boya," मुझे जितना जल्दी हो सके दिखा दो. हाँ सर, बिल्कुल. नहीं, वो दैट्स नॉट अ करेक्ट न्यूज. जैसा IPL में चलाया जा रहा है एज फार एज आई अंडरस्टैंड, विच इज हम लोग लॉन्च उसके पहले कर रहे हैं, 24 को सुबह. सुबह हम लोग लॉन्च करने वाले हैं. आई थिंक अभी अनाउंस हो जाएगा. अब होगी, आप बोल दिया तो 24 को हम लोग सुबह करेंगे और शाम को वहाँ पे चला जाएगा. But you know, when stalwarts like Subhashji, you know, talks admiringly about your work, is there an added pressure on your shoulders as far as the box office of Sanju goes? How do you look at it, sir, when it comes to that? हाँ नहीं, प्रेशर तो होता है डेफिनेटली. प्रेशर तो फिल्म की रिलीज से पहले कितने भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा प्रेशर होता है. But can we also say that this will mark the return of Ranbir as the superstar again?
He was always there. He's never went away. Ranbir Kapoor is always a superstar. He's a super actor. Fantastic actor. And फिल्में चलती है नहीं चलती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में, मैं आगे भी करना चाहूंगा उसके साथ काम। और फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एज यू नो यू हैव वर्क विद संजय दत्त एंड यू आल्सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम संजय दत्त इज कमिंग विद माधुरी इन करण, हाउ यू सी बोथ द केमिस्ट्री इन द स्क्रीन, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमने कुछ केमिस्ट्री तो देखी नहीं कि दवा उसमें डाल के उसने स्क्रिप्ट डेवलप है, केमिस्ट्री स्क्रिप्ट एंड कैरेक्टराइजेशन एंड द डायरेक्टर, फिर उसके बाद हमें पता लगता है। पहले तो समझ नहीं आता, लोगों को कभी पता नहीं था कि दिलीप कुमार राजकुमार की भी केमिस्ट्री हो सकती है, तो वी डू नॉट नो। फाइनली जो स्क्रीन पर आएगा उसी को केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। Yes, why not? Sanju is very dear to me, and as a person, as a family member, as an actor, and he is a very natural actor, I would say. You know, only thing that you have to give him a right kind of role, you know, with a little weight and what suits him. ये हमारे लिए जिम्मेदारी की बात होती है. Whenever I had a good script, I was the first person to go to him. There was also a discussion on Twitter where a lot of fans said Subhash Kashyap should have been the person to bring back both Madhuri and Sanjay together back on screen. देखिए मैं पंडित थोड़ी हूँ कि थोड़ा। No, the fans are saying that. We are not saying that. I'm not a पंडित कुंडली अमल आ रहा है। फिल्म में करूँ जो कैरेक्टर्स आएंगे, वो कैरेक्टर्स में प्ले करेंगे। Script drives everything. We don't go for the star cast. इस kind of coup or casting coup नहीं जाते हैं। वो कैरेक्टर्स अगर आ गए तो हम जरूर करेंगे। संजू हैज सीन मेनी सीन्स ऑफ द फिल्म, ही इज नॉट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, अभी तो कंप्लीशन हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले देखेंगे, पर उन्होंने काफी सीन्स देखे हैं, टीजर देखा हुआ उन्होंने। एंड व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही हैव टू से, ही गेट्स सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, ही अरे मेरे लाइफ में फिल्म बन रही है, वो उसको ही स्टिल ट्राइंग टू अब्सॉर्ब दैट। यस, एंड व्हाट डज ही हैव टू से अबाउट रणबीर कैरेक्टर आफ्टर वाचिंग हिम ऑन सेलुलॉइड? Why did you contact Sanjay Dutt? वो आप देखिए, अभी टीजर आने वाला है 24 को, दो तीन दिन की बात है टीजर, आप टीजर देखिए, फिर हम लोग उस दिन भी मिलेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर। सो बहुत बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।